नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड वेली मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम से मैं हूं एमजे जूही लाइव ऑन जम्मू लिंक्स न्यूज एंड 92.7 बिग एफएम जम्मू एफपी पेज और ऑन योर डिमांड चेयरमैन जेके एसएसबी सिमरनदीप सिंह जी आज स्टूडियोज में है. सिमरन जी वेलकम टू द शो. वेलकम टू द स्टूडियोज. अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन जम्मू वालों ने आपके लिए भेजे हैं मेरे फेसबुक पेज बिग एमजे जूही और 92.7 बिग एफएम जम्मू पे. वेल अभी भी आपके कोई सवाल हैं अगर तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं. आई कैन सी योर क्वेश्चन बट टू बिगिन विद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि जब से आप चेयरमैन जेके एसएसबी आए हैं तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट बट स्टिल कुछ कंसर्न एरियाज अभी भी हैं. जैसे एक बड़ा हॉट क्वेश्चन ये है कि एनटी के एग्जाम में उर्दू को मैंडेटरी क्यों रखा गया है. आई थिंक इसका रिप्लाई हमने सुबह भी आज मॉर्निंग शो में किया था कि रूल्स आर सेट बाय द डिपार्टमेंट एंड आई एम सिंपली सपोज टू कैरी आउट रिक्रूटमेंट एज पर द गिवन रूल्स. Okay. Now the rules say that the NT should have working knowledge of Urdu. Okay. Therefore, there is a test where your working knowledge would be tested and you are supposed to qualify the test. Okay. Now that's the rule I am given. So I have to operate by the rule. So I think इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना की ज़रूरत नहीं है. So these are the rules that are made by the concerned department. JK SSB सिर्फ उन चीजों को कैरी आउट करता Absolutely. और जैसे आपने शो पे कहा मैंने कहा कि आई एम अ वेंडर एंड आई एम वर्किंग ऑन अ सप्लाई ऑर्डर गिवन टू मी बाय अ डिपार्टमेंट. ओके. नाउ द डिपार्टमेंट सेज दैट यू आर सपोज टू कैरी आउट द रिक्रूटमेंट एज पर दिस रूल. आई कैन नॉट गो लेफ्ट एंड राइट. राइट. हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की पोस्ट कब निकलेंगी और ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट का क्या? ऐसे आई डू नॉट नो क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा कोई पोस्ट ऐसी नहीं है कि मेरे पास है और मैंने अपने टेबल पे रखी हुई है. पोस्ट आएगी एक डेढ़ महीने के अंदर निकल जाएगी. पोस्ट है ही नहीं है मैं कैसे बताऊं कब आएगी क्योंकि डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं. आई एम नॉट सिटिंग विद द डिपार्टमेंट्स. आई हैव अ सेपरेट ऑफिस. आई सिट सेपरेटली. आई डोंट नो व्हेन द पोस्ट विल कम. व्हेनेवर दे कम इन अ वीक्स टाइम इन अ मंथ्स टाइम आई विल एडवर्टाइज. ओके. अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता है कि जब भी कोई पोस्ट आती है उसके बाद फिर एग्जाम स्केड्यूल होता है या पूरा स्केड्यूल निकलता है एंड देन देयर आर द लिस्ट और फिर स्टे लग जाता है और देन देयर इज अ लॉन्ग 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 प्रोसीजर एंड प्रॉब्लम ये आती है कि जेके एसएसबी को जो अपनी रिपोर्ट्स देनी होती है उसमें बहुत डिले होता है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? देखें एक किसी भी एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के एग्जाम में 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है. राइट. नाउ उसमें एक सेट क्राइटेरिया है कि बीएड को इतनी वेटेज होगी एमएड को इतनी वेटेज होगी. अब अगर आप बच्चों की सोशल मीडिया पे इनके व्यूज देखें तो कोई बच्चा किसी क्राइटेरिया से खुश नहीं है. कोई चाहता है बीएड ना हो, कोई चाहता है एमएड ना हो, कोई चाहता है बीएड कंपलसरी हो, कोई चाहता है ये हो, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वैसे ही होना सब चाहते हैं. नाउ उसमें से कोई भी सिस्टम को चैलेंज करना चाहे दे कैन अप्रोच द कोर्ट एंड आई मीन दे कैन गेट द प्रोसेस स्टॉल्ड एट देयर विल. सो बहुत सारे ऐसी स्टेज लगी हैं जिनमें अपने निजी कारणों से बच्चों ने स्टे ली हुई है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के करियर और उनके जो प्रोसेस को रुकवा दिया है. वो तो हो गई एक प्रकार की जो स्टेटस को ऑर्डर्स हैं. बहुत सारी स्टेज जो है वो वैलिड हैं. उनमें रिक्रूटमेंट रूल्स चैलेंज हुए हैं. कई जगहों पे जो कैजुअल एम्प्लॉयज हैं उन्होंने स्टे ले ली है कि अगर परमानेंट एम्प्लॉयज आ जाएंगे रिक्रूट होके तो हम कहीं बाहर ना हो जाएं. सो तरह तरह की स्टेज हैं और ये बात सही है कि हम समय पे जवाब नहीं दे पाते हैं. हमारे अपने चैलेंजेस हैं, मैन पावर इशूज हैं, इतनी लिटिगेशन हैं कि हमें एग्जाम्स भी करने हैं. हमें ये भी देखना है कि एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट डिले ना हो और पुरानी के हम जवाब कोर्ट में भी भरें. तो ये सारे काम करने में समय लगता है, वक्त लगता है. और ऑब्वियसली इट्स लाइक प्यार का पहला खत नहीं जिसे लिखने में वक्त लगता है. नहीं नहीं मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट. आप ये देखें कि 2.5 लाख कैंडिडेट्स या लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स के इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए फ्यू पीपल आर देयर इन बोर्ड हु आर वर्किंग. राइट. सो आई मीन I have one question, Simran ji. You are an IAS, right? और आप इस पूरे recruitment procedure से गुजर के आए हैं. UPSC का जब exam होता है so there's only one exam, there's only one paper. उसी के basis पर
हमारे अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो बट जाते हैं. कोई आईएएस में आ जाता है, कोई आईपीएस में आ जाता है, आईएफएस या जितने भी अलग अलग आई थिंक 30-35 जो सर्विसेज हैं उसमें चले जाते हैं. तो अगर पूरे सेंटर के लेवल पर ऐसा हो सकता है तो व्हाई नॉट समथिंग लाइक दैट इन द स्टेट. बिल्कुल हो सकता है. इट्स अ वेरी वेरी गुड सजेशन. लेकिन ये क्यों होता है आपने ये सोचा है? जो वो 37-40 ऑड सर्विसेज हैं आईएएस एंड ऑल सर्विसेज, दे हैव अ कॉमन रिक्रूटमेंट रूल कॉल ग्रेजुएशन. अगर आप आईएएस का रिक्रूटमेंट रूल पढ़ेंगे वो कहता है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, ये चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन. राइट नाउ जब तक हमारे 37 डिपार्टमेंट अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को सिंक नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन रूल या 10+2 या 10th बेस्ड एक कॉमन रूल नहीं बनाएंगे, हाउ कैन आई कंडक्ट अ कॉमन एग्जाम? नाउ एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन रूल. ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन तबला, ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन म्यूजिक. नाउ विद एवरी सच स्मॉल डिफरेंस इन द रिक्रूटमेंट रूल, माई रिक्रूटमेंट हैज टू बी सेपरेट. आई कैन नॉट हैव अ कॉमन रिक्रूटमेंट. So unless the departments come to a common recruitment rule, the recruitment will be easier, smoother and faster. Right. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पोस्ट के लिए हमें 10वीं पास कैंडिडेट चाहिए, किसी के लिए 12वीं चाहिए, किसी के लिए सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए या पीजी चाहिए. तो एटलीस्ट वो जो एक कुछ कॉमन से है उनको तो हम क्लब कर सकते हैं. Absolutely. In fact, इसका एक बहुत अच्छा सुझाव है कि हमें बोर्ड को केवल 3 एग्जाम करने चाहिए, एक 10th बेस्ड, एक 10+2 बेस्ड और एक ग्रेजुएशन बेस्ड. मोटे मोटे ये 3 एग्जाम साल में होने चाहिए हर साल. और आप बच्चों को बोलें कि आप इन कॉमन एग्जाम में पार्टिसिपेट करें. और जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स की पोस्ट आएंगी, हम जो 70% को हम एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रख दें और जो बच्चे क्वालिफाई 70% एंड अबव आते हैं उनको हम क्वालिफाइड लॉट बोलेंगे और हम डिपार्टमेंट्स को भेजते जाएंगे. जैसे जैसे हमें विद इन द साल, विद इन दैट वन ईयर वी विल कीप द लिस्ट वैलिड, दैट लिस्ट वुड बी लाइव फॉर वन ईयर एंड इन वन ईयर वी कैन कीप सेंडिंग पीपल टू द डिपार्टमेंट. इट कैन हैपन, बट दैट कैन ओनली हैपन इफ ऑल द पोस्ट और मेजोरिटी ऑफ द पोस्ट इन द गवर्नमेंट आर कैटेगराइज्ड इन टू 10th लेवल, 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल. अनलेस दैट हैपन्स दिस विल ओनली रिमेन an idea to debate upon, yeah, which will not change our life. It will change but it has to happen. I mean, I think ki ye jo suggestion hai ye concerned logo tak pahunche aur kuch is line par kaam karne ka socha jaye, it will be a very good thing. Aur bahut fast ho jayega jaise aapne kaha recruitment. Acha CGL ko lekar bahut sare questions aa rahe hain. I'm sorry, mujhe to pata nahi what is CGL. CGL is a short form of common graduate level exam. Okay. So ye ek bada exam hua tha aaj se 3 साल पहले हुआ था, फिर कैंसिल हुआ, फिर एक बार फिर हुआ, फिर उसमें इश्यूज आए, फाइनली अभी अपने आखिरी उसमें पहुंच गया है पड़ाव पे. इसका रिजल्ट आई थिंक इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल बी डिक्लेयर्ड वेरी वेरी सून. ओके. आई मीन वी विल बी, देयर वर सर्टेन इश्यूज ऑफ अगेन कोर्ट इन दिस ऑल्सो, बट वी हैव ट्राई टू रिजॉल्व इट एंड इट विल बी वेरी वेरी सून. सुरेंद्र वर्मा लिख रहे हैं कि एग्जाम की जो डेट है वो 3-4 महीने पहले अनाउंस हो जानी चाहिए. आई थिंक अगेन वही बात है कि जब पोस्ट आएगी उसके बाद ही सारा एग्जाम की डेट होगा. ये 3-4 महीने कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इधर एग्जाम की डेट लगभग हमें एज पर रूल 1 महीने पहले बताना होता है. लेकिन हमारा कोई भी एग्जाम महीने में नहीं हो सकता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो प्लान करने होते हैं वही 1.5 महीना लेते हैं. तो 3 महीने लग जाते हैं एग्जाम को. एक और क्वेश्चन है सिमरन जी कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही कुछ एग्जाम्स के लिए अलग अलग सेट्स ऑफ पेपर आ रहे हैं और कैंडिडेट्स का ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि सभी को एक इक्वल लेवल पर नहीं इवैल्यूएट किया जा रहा है. ये बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें ऐसा हुआ है. और ये केवल हमारी स्टेट में नहीं हुआ है, हम इनफैक्ट लास्ट स्टेट्स में हैं जिन्होंने ये किया है. सभी स्टेट्स में क्या होता है कि कैंडिडेट काउंट बहुत ज्यादा होने के कारण ये अप्रोच रहती है कि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर इसलिए देते हैं कि हम एक मैनेजेबल नंबर को एग्जाम लेने के लिए बुलाएंगे. अगर 80,000 लोगों ने, बच्चों ने अप्लाई किया है, 80,000 बच्चों का एक ही दिन एग्जाम करना और उस एग्जाम को संभाल CBT नहीं पाना सीबीटी में तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इतने 80,000 कंप्यूटर J&K में है ही नहीं है. हमारे पास कंप्यूटर्स ही 3,500 कंप्यूटर्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर सच एग्जाम्स. सो
उनको आप मल्टीपल शिफ्ट में इसलिए करते हैं कि आप उतने बच्चे बुलाएं जितने बच्चों को आप संभाल सकते हैं, आप चिटिंग रोक सकते हैं, आप इम्पर्सोनेशन रोक सकते हैं, आप उतने ही बच्चे बुलाएं। तो ये हरियाणा, उड़ीसा, भारत सरकार, सभी सरकारें जो है मल्टीपल शिफ्ट में करती हैं। और जाहिर सी बात है जब पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो डिफरेंट ही आएगा, सेम पेपर तो आएगा नहीं। सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ सीबीटी और इवन इन ओएमआर। फॉर एग्जांपल हरियाणा जो है एसएससी, वो ओएमआर एग्जाम को भी मल्टीपल शिफ्ट में करती है। हम तो केवल सीबीटी करते हैं, वो ओएमआर को भी मल्टीपल शिफ्ट में करती है। उसका लॉजिक ये है कि यू शुड कॉल ओनली दोज मैनी कैंडिडेट्स हुम यू कैन हैंडल ऑन दैट डे। आप उनकी नकल रोक पाएं, आप उनको उनका एडमिट कार्ड देख पाएं, आप उनकी फ्रिस्किंग कर पाएं, आप इतने लोग ना बुला लें कि आप इट्स अ फ्री फॉर ऑल एंड इट्स अ वो फिर उसमें ऐसे भी नकल हो रही है, उस एग्जाम का फायदा क्या है। बट आई थिंक कि एक सिलेबस तो सभी के लिए सेम ही है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए किसी दूसरे सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है और किसी के लिए। एब्सोल्युटली 10वीं 12वीं में भी शायद ऐसा होता है। सो यस, आपने बहुत लॉजिक की बात करी है। सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे और जो बच्चा पढ़ा होगा उसके चाहे मैं कोई भी सेट दे दूं, कुछ भी दे दूं, ही शुड बी एबल टू स्कोर 80% एंड अबव। जो नहीं पढ़ा उसको किसी भी शिफ्ट में डाल दो, उसके 20% से फालतू नंबर नहीं आएंगे। सो ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें आपको अपना पेपर मुश्किल लगेगा और दूसरे का आसान लगेगा। वैसे भी मुश्किल लगता है। सो द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? सो इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दैट, मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेजेस आए, उन्होंने कहा सर चाहे इसमें 50 शिफ्ट्स हों, जितनी भी शिफ्ट हों, हमें ईमानदारी से पेपर चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से पेपर चाहिए, हमें फेयर सिस्टम चाहिए, हम कोई भी पेपर हैंडल कर लेंगे जब तक वो सिलेबस के बीच में से आएगा। सो आई मीन यू हैव टू सी दैट आप चाहते क्या हो, आप एक वेल मैनेज सिस्टम चाहते हो एग्जाम्स का, या I mean, you want a system where lot of queries are raised, allegations are raised. कुछ results I think Simran ji अभी pending है, like teacher, कोई general teacher का कोई paper हुआ था और कुछ general graduate level general teacher का तो होना है। Excise inspector, JE mechanical, ये सब excise inspector and all, ये CGL का part है। Okay. मैंने कह दिया that they are coming very very soon. Okay. So I think हमारे जो मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो सभी के आंसर हो चुके हैं और आई थिंक दैट्स इट। एंटी एग्जाम, एंटी, व्हाट इज अबाउट एंटी एग्जाम? नायब तहसीलदार का एग्जाम कब होगा? वो तो ही ऑलरेडी होगा, वो अप्रैल के एंड में होगा, दैट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस्ड, कैंडिडेट्स नो अबाउट इट। ओके, सो आई थिंक वी आर कंप्लीट फेथ ऑन यू, एंटी शुड बी ट्रांसपेरेंट मैनर। What will be the ratio of written exam and viva for Naib Tehsildar exam? जो रेशो है, I mean 1:5 रेशो है, उसमें तो ऑलरेडी फ्रेम रूल्स हैं, there is nothing new going to happen. He is the best person to make the system clean and clear. Okay, compliments बाद में दे देना, पहले questions पूछ लो। Thank you. टीचर की बात करो, टीचर की बात कर ली है। आई थिंक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है मिस डबी, जो हमने शो पे जरूर डिस्कस किया था, जो पटवारी का क्राइटेरिया है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि पहले एग्जाम हो जाता है, क्राइटेरिया बाद में आता है। सो उसके लिए ऐसा होता था और मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी जब मैंने देखा एडवर्टीजमेंट में देर इज नो मेंशन ऑफ क्राइटेरिया, देर इज नो मेंशन ऑफ सिलेबस, देर इज नो मेंशन ऑफ डेट ऑफ एग्जाम। वी हैव ट्राइड टू मेक एन अटेम्प्ट दैट पोस्ट अक्टूबर 17 इन एवरी एडवर्टीजमेंट वी आर कैरिंग द क्राइटेरिया, वी आर कैरिंग द सिलेबस एंड वी आर ट्राइंग टू कैरी द डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम इसलिए नहीं हम कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। मतलब जब से मैं एग्जामिनेशन के इस सिस्टम में आया हूँ, आई हैव रियलाइज दैट जब आप कोई सेंटर बुक करने जाते हैं, वो आगे से आपको ये बोलते हैं हम ऑलरेडी वो एग्जाम कर रहे हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर मैंने पहले सेंटर ब्लॉक करवा लिया तो मुझे जगह मिल जाएगी, अगर किसी और ने करवाया तो मुझे अगले संडे की वेट करनी है, अगले संडे को किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, अगले संडे को यूपीएससी का एग्जाम है, अगले मतलब एवरी संडे इज बुक्ड फॉर सम और द अदर एग्जाम। सो टू गेट अ फ्री संडे इज ऑल्सो अ चैलेंज, राइट? एंड फिर आपको संडे को ये भी देखना है कि कोई त्योहार ना हो, यहाँ पर ये भी मसले हैं, बच्चे त्योहारों पे एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, बोलते हैं हमने त्योहार मनाना है। सो आपको वो संडे चाहिए जो कम्प्लीटली फ्री संडे है, नो त्योहार, नो लॉ एंड ऑर्डर, नो कर्फ्यू, नो स्ट्राइक, नो एग्जाम, एंड देन जेकेएसएसबी एग्जाम।
Please throw some light on teacher exam. We are in confusion. There is no confusion. Please study. Exam will happen in 1.5 months time. Please study. Just study. Okay. तो भाई पढ़ाई करो और सिस्टम के लिए उसको बेटर बनाने के लिए आपके पास जो सजेशंस है वो आप डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं. फिलहाल यहाँ से ओके टाटा बाय बाय बोलते हैं. कल फिर शो पर सिमरन जी होंगे. जो कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए हैं वो यहाँ पे आंसर होंगे. 9 से 10 लाउड स्पीकर सुनना है आपने 92.7 बिग एफएम पे. फिलहाल सिमरन जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. पढ़ाई करो पढ़ाई ओके और सुनते रहो 92.7 बिग एफएम. रिलैक्स होने के लिए सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ.